हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्यू किलोमीटर्स डे। और आज हो रहा है मौसम बढ़िया, तो मैंने सोचा एक वीडियो शूट कर लिया जाए। कल था मेरा बर्थडे, तो मैंने खुद को ही कुछ गिफ्ट किया है। तो क्या गिफ्ट किया वो दिखाता हूँ मैं। सो दिस इज़ द टायर, नॉट द टायर, द एस्पिन, जो कि नीनो शर्टर खुद यूज़ करता था किसी ज़माने में, करते थे। सो दिस इज़ एस्पिन फ्रॉम मैक्सिस, और ये मैं मेरे न्यू व्हील के अंदर लगाने वाला हूँ, जो कि एक कार्बन व्हील है और बहुत ही लाइट व्हील है। So I'm going to install this tire in my new wheel. Let me show you my new wheel. So guys, this is my new wheel, और ये नेक्स्ट आई की तरफ से है पूरा बिल्ड। इसमें कैसेट लगा हुआ है GX का, SRAM, और जो व्हील है और जो हब है वो नेक्स्ट आई की तरफ से है। और ये काफ़ी लाइट वेट है, बहुत कॉम्पिटिटिव वेट है इसका, और प्राइसिंग भी बहुत कॉम्पिटिटिव है मार्केट में। जो भी आप लेने जाओगे तो इसके प्राइसिंग में आपको कुछ नहीं मिलेगा इसके मुकाबले का, काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी हल्का है। तो इसमें मैं आज मेरा टायर व्हील इंस्टॉल करने वाला हूँ नया, जो कि मेरा बर्थडे गिफ्ट है मेरे को खुद को। तो चलिए इंस्टॉल करते हैं और फिर देखते हैं कैसा लगता है टायर, नया व्हील के साथ नया टायर। सो लेट्स बिगिन द इंस्टॉल कर लेते हैं टायर को, और उसके लिए हमको इसको अनबॉक्स करना पड़ेगा। तो उसका ये स्ट्रैप काट देते हैं पहले। बारिश भी आने लगी है थोड़ी थोड़ी, जयपुर में हो रही है काफ़ी बारिश। तो ये क्या चीज़ है वो मैं बता देता हूँ इंस्टॉल करने से पहले। ये टायर इंसर्ट है, ये हमारी कार्बन रिम्स होती है उसको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से बचाता है ये फोम, और पंचर हो जाता है तो पंचर में भी हम अपना जो व्हील है वो चला सकते हैं हवा ख़त्म होने के बाद भी। तो ये पंचर प्रोटेक्शन भी करता है एक तरीके से, और टायर्स को डायरेक्ट रॉक के कॉन्टैक्ट से बचाता है तो रिम टूटती नहीं है जल्दी से। इस बड़ा ही दिक्कत वाला काम है टायर इंसर्ट के साथ इंस्टॉल करना व्हील को, तो मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ और बड़ी तकलीफ़ हो रही है। तो चलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं इसको इंस्टॉल करके। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो ये टायर मैंने इंस्टॉल कर दिया है इसके अंदर, और अच्छे से ये बीट बैठ गई है। अब चलिए इसमें हवा भर, और ये कार्बन व्हील है तो इसमें ना हवा भरना इतना मतलब डिफिकल्ट नहीं होता, क्योंकि मेरा ट्यूबलेस सेटअप है। तो अगर ट्यूबलेस सेटअप आप हवा भरते हैं किसी भी एल्यूमिनियम रिम में, तो कभी कभी क्या है ये बीट बैठती नहीं और हवा लीक हो जाती है तुरंत, या फिर टायर में हवा भरती नहीं है। तो इसमें वो दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि कार्बन की व्हील रिम है और इसमें टायर इंसर्ट डला हुआ है, तो एकदम चिपक गई है बीड टायर की रिम वॉल से। तो इजीली इसके अंदर हवा भर जाएगी, कोई अपने को मशक्कत करनी नहीं पड़ेगी, फ्लोर पंप से ही भर जाएगी, वरना प्रेशर पंप यूज़ करना पड़ता है अगर आपके पास एल्युमिनियम रिम है, या कोई भी लीकेज होता है रिम के अंदर एयर भरते हुए ट्यूबलेस सेटअप के अंदर, या फर्स्ट टाइम आप सेटअप कर रहे हो तब भी ये इशू आ सकता है। तो चलिए हवा भर लेते हैं इसके अंदर। गाइज, हवा भर गई है इसके अंदर और बड़ा ही प्यारा ये जो टायर है वो लग रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो टायर प्रोफाइल है इसकी बड़ी प्यारी है, ग्रिप जो है इसकी बहुत शानदार है, और ये काफ़ी लाइट वेट टायर है। 650 ग्राम का सिंगल टायर आता है ये, और काफ़ी रिजिड है और ग्रिप भी काफ़ी टायर है ये, काफ़ी ग्रिप अच्छी आपको प्रोवाइड कर देगा वेट कंडीशन में और ग्रेवल कंडीशंस में भी। तो ये एक प्रॉपर एक्सी टायर है, जो कि अपने नीनो शर्टर, जो कि एक फेमस एक्सी रेसर हैं जिन्होंने काफ़ी अपने वर्ल्ड कप प्राइजेस जीते हैं, पोडियम जीता है, वो ये यूज़ करते हैं। बट अभी इसमें एक नया वर्जन आया है जो कि मैक्सिस ने रिसेंटली निकाला है, और ये मैं टायर काफ़ी पहले परचेस कर चुका था, क्योंकि ये जो टायर है ये इंडिया में बहुत कम आते हैं, बहुत मुश्किल से प्रोवाइड होते हैं। तो मैंने ये ख़रीदा 14,000 रुपये का एक पेयर लिया था मैंने आगे पीछे का, जी हाँ 14,000 रुपीज़ के माउंटेन बाइकिंग के टायर्स आते हैं। तो इंडिया में क्या है अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो प्राइस हाइक हो जाती है, तो उस वजह से काफ़ी महंगे पड़ते हैं। बट जो टायर है ये इसकी परफॉर्मेंस है बहुत ही शानदार है, और इसका जो वेट है वो भी बहुत कम है, बस प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो प्राइस को देखते हुए ये एक अच्छा इकोनॉमिकल टायर नहीं है, बट मेरी इच्छा थी कि मैं एक बार एस्पिन ज़रूर यूज़ करूं, तो मैंने ये मेरे खुद को एक गिफ्ट दिया है मेरे बर्थडे पे। तो चलिए इसको बाइक में लगाते हैं और फिर देखते हैं कुछ दिनों बाद इसकी मैं प्रॉपर रिव्यू करूंगा ट्रेल्स पे कैसा ये परफॉर्म करता है। और ये इसका जो नॉब्स हैं ये काफ़ी लो प्रोफाइल है, तो ये घिसेगा भी जल्दी, तो मैं इसको रेगुलर यूज़ में तो नहीं लेने वाला हूँ, बट देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। नीनो भाई यूज़ करते थे, अपन भी यूज़ करके देखते हैं, अपन तो उतना चला नहीं पाएंगे, बट देखते हैं कैसा रहता है ये इंडिया की टेरेन्स में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग,
एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, और अगर कुछ नेक्स्ट टॉपिक हो या कोई सजेशन हो तो वो कमेंट में बताना, और ये टायर कैसा लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में और काफ़ी पैसा भी लग जाता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। ऐसे कंटेंट को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिएगा क्योंकि वहाँ पे मैं इनके शॉर्ट्स डालता रहता हूँ, वहाँ पे पहले अपडेट आती है, तो फॉलो कर लेना अगर कुछ भी नया देखना हो।